हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एलोवेरा के प्लांट को लगाएंगे, जिसमें कि एक प्लांटर लिया है मैंने, जिसके ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए मैंने नीचे पेबल्स बिछाए हैं। पेबल्स इतने अच्छी तरीके से बिछाइए कि इसके ड्रेनेज होल कवर हो जाए। उस प्लांटर में से पानी भी अच्छे से निकल जाए। इसमें मैंने 30% गोबर खाद, 60% मिट्टी और 10% बालू मिलाकर तीनों को अच्छे से प्लांटर के अंदर ही मैंने मिला लिया है। इसको मैंने अलग से नहीं मिलाया, मैंने तीनों को ही प्लांटर के अंदर डालकर मिला लिया है, जिससे कि एक अच्छा मिट्टी मिल गया है इस प्लांटर को और इस पौधे को भी काफ़ी अच्छा पोषण मिल जाएगा। ये बेबी प्लांट मैंने किसी से मांग के लेकर आई और लगाने के लिए मैंने इस प्लांटर को तैयार किया है, जो कि एक काफ़ी अच्छा ऑर्गेनिक मिट्टी भी तैयार है और एक एलोवेरा प्लांट है, जो कि सबके लिए एक मेडिकल प्लांट है, जिसे मैंने अच्छे से मिट्टी में लगाया है और इसको अच्छी तरीके से मैंने मिट्टी को मिला लिया है, ताकि कोई भी ब्लॉकेज ना हो मिट्टी में। अब मैंने इस मिट्टी में 2 से 3 इंच होल किया है, जो कि एक प्लांट इसमें अच्छे से कवर या डल जाए। इस प्लांट तीनों ही प्लांट को मैंने अच्छे से मिट्टी के अंदर दबा कर लगा लिया है। इस प्लांट को मैंने अच्छे से मिट्टी से दबा दबा कर लगा लिया है। चारों तरफ से मिट्टी को अच्छी तरीके से मैंने पुट कर दिया है, ताकि इसमें कोई भी एयर पॉकेट या कुछ भी ना बचे। से काफ़ी अच्छे से इस प्लांट मिट्टी को अंदर प्लांट में दबा दीजिए, ताकि वो कोई भी एयर पॉकेट ना बने इसके अंदर। अब इस पूरा प्लांट कंप्लीट हो गया है, बस इसमें एक पानी और डालना है। पानी और डालिए इसमें अच्छे से और इस प्लांटर को भर दीजिए पानी से। पूरा प्लांटर जब तक इसमें से ड्रेनेज होल से पानी ना आए, तब तक इसमें से इसको पानी और डाल दीजिए अच्छे से। फिर इस प्लांटर को 2 से 3 दिन शेड में रखिए। प्लांटर एक रफ टफ प्लांट है, जो कि बहुत ही अच्छे से चलता है।